Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of the overbridge construction work at the railway gate at Saria in Giridih and inaugurate the underbridge near Chotki Saria online on Monday. A program regarding this will be organized in Hazaribagh Road railway station premises, in which Union Minister Annapurna Devi, DRM of Dhanbad Railway Division, Bagodar MLA Vinod Kumar Singh and many other railway officials will be included. In a press conference in this regard, Senior DCM Suraj Kumar gave complete information about the preparation on Sunday. In the press conference, he gave complete information regarding the overbridge to be built and the underbridge that is ready. He said that with the construction of the overbridge at the railway gate, traffic will be easier. The danger will also be reduced. Many times, accidents happen while crossing railway tracks illegally, in which many people lose their lives. All those things will be provided relief. गेट का कल शिलान्यास किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसके अलावा रेलवे ने यहाँ पर एक टेंट की व्यवस्था की, जहाँ पर कि सारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री वो आएंगी, इसमें वो उनकी प्लस माननीय विधायक भी उनके आने की यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन दी है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कल इस गांव के आसपास से काफ़ी लोग इस लोकेशन पर आके इस समय जो विकसित भारत में के लिए वो इसके भागीदार बनेंगे। और इसके बन जाने से जो हम लोग ने इसके बारे में बताया कि इसकी जो सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे निर्बाध यातायात होगा और प्लस जो काफ़ी इसमें इसकी टीवीयू बहुत ज़्यादा है, 9 लाख 10 लाख के आसपास है, तो उससे काफ़ी सुविधा मिलेंगी। रेलवे के कौन कौन से कार्यक्रम इसमें जो है, DRM साहब का आने का, इसमें DRM साहब आएंगे, सीनियर DCM साहब आएंगे, सीनियर DSC साहब आएंगे यहाँ पर, और जो यहाँ के जो लोकल जितने भी हमारे अधिकारी जितने लोग हैं सब लोग यहाँ पर रहेंगे। देखते हैं, हमें ट्रेनों को रुकना पड़ता निकलने के लिए, बट जैसे ये ROV बन जाएगा तो आप फ्रीली आप लोग इस एंड से उस एंड जा सकते हैं। इससे हमारा सेफ्टी भी इन्हेंस होगी, टाइम बचेगा हमारा, और जो दुर्घटना आती है, जो बच्चे जो लोग ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं, उससे समझ जाए। इससे दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा भी, जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है, 2047 में हम लोगों ने किया कि हमारा काफ़ी विकसित होगा, तो ये हमारा बुनियादी ढांचे को हमारा इम्प्रूव करेगा। ये टूट फूट में कमी आए, भारी वाहनों और बार बार ट्रेन गुजरने के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर काफ़ी टूट फूट हो सकती है, जैसे हमारा ब्रेक लगते हैं वहाँ पे, हमारा काफ़ी इसमें ईंधन भी लॉस होता है, जो वहाँ रुकता है, वहाँ पर गाड़ी चालू होती है, इससे हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। हमारा लागत भी कम आई, रख रखाव की लागत कम आई, क्योंकि गाड़ियाँ जो बार बार ब्रेकिंग करती हैं, रुकती हैं वहाँ पर, तो उससे हमारा कम रख रखाव की आवश्यकता होगी, हमारा काफ़ी इसमें पैसे बचेंगे। हमारा बेहतर कनेक्टिविटी और सौंदर्यीकरण, इससे जब ये हमारा किसी भी शहर में जब ये हमारा ROV बनता है, इससे हमारा सौंदर्यीकरण काफ़ी होता है इससे, क्योंकि एक जब आप उसका गूगल इमेज हम लोग देखेंगे, कुछ देखते हैं, लगता है कि इससे एक जो हम लोग देखते हैं कि इतना अच्छा सीमलेस मूवमेंट है कि हमारा सारा, क्योंकि तो स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनते हैं ना, एक धनुषाकार बनता है या कुछ भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, शहरी विकास होता है इसमें। 2047 के विकसित भारत का विकसित रेल विषय पर आधारित कविता, निबंध, पेंटिंग जैसे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय के बच्चों द्वारा डिश किया गया है। इसमें जो विजेता बच्चे हैं उनको इस कार्यक्रम के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटली रूप से जुड़ेंगे तथा विजेते बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी का में धनबाद मंडल द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें 20 लोकेशन पर 21 विद्यालयों के 3,586 बच्चों ने भाग लिया तथा विजेता बच्चों को कार्यक्रम के अंत में सम्मानित किया जाएगा, जो हम लोग उसके बाद करेंगे। इसी क्रम में धनबाद रेल मंडल के 2 रोड ओवर ब्रिज, 18 रोड अंडर ब्रिज निर्माण का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल लागत, रेलवे की जो लागत है इसके अंदर में 132 करोड़ रुपये है, और राज्य सरकार की इसमें जो लागत है 94.71 करोड़ रुपये है इसमें। इसमें जो क्या हमें फ़ायदा होगा इसके बनने से, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज पास पारस्परिक स्तर के रेलवे क्रॉसिंग पर अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे हम लोग हमेशा सेफ्टी का एक हमारा एक इशू रहता है कि जब हम लोग इससे पार करते हैं तो दुर्घटना का कारण उसमें संभावनाएँ रहती हैं। इसमें हमारे सुरक्षा में हमारा इसमें सुधार होगा, दुर्घटना में कमी आएगी। ये ट्रेनों और वाहनों तथा पैदल
यात्रियों के बीच टकराव की संभावना को खत्म करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आती है। कम जोखिम रहता है इसमें, वाहनों रेल पर के यात्रियों द्वारा एक साथ रेलवे लाइन पर पार करना जोखिम भरा होता है। इसके अंदर से नीचे लोग निकल क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे जोखिम भरा होता है। यातायात का प्रवाह और दक्षता, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमारा काफ़ी सारे यहाँ पर जाम लग जाते हैं, यहाँ पर कई सारी जो हमारी एम्बुलेंस निकलती हैं, यहाँ पर जो स्कूली बच्चों का जो हमारा बसेस वो फंस जाती हैं, इससे हमारा निर्बाध यातायात होगा। आरओबी एलएचएस के साथ ट्रेनों के गुजरने से यातायात प्रवाह निर्बाध रहता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और भीड़भाड़ कम होती है।